नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पीडीआई यानी प्राइम डिबेट इंडिया। आम बजट 2023 और 24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश कर दिया। सीतारमन का ये पांचवां और देश का 75वां बजट था। बजट में सबसे खास बात इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव रही। वित्त मंत्री ने 8 साल बाद स्लैब बदला और 7 लाख की आमदनी पर टैक्स छूट देने की बड़ी घोषणा की। इस बजट को आत्मनिर्भर, सशक्त, समर्थ, भारत के सफल, हम सफर को बीजेपी ताबीर कर रही है, तो वही विपक्षी पार्टियां इस बजट को इलेक्शन स्पीच और झूठ का पिलिंदा बताते हुए कई सवाल पूछ रही हैं। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि क्या सबकी उम्मीदों पर खरा उतरा बजट? दिस इज द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। इन दीज 9 ईयर्स द इंडियन इकोनॉमी increased in size from being 10th to 5th largest in the world. Budget जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो दो चार राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। 10 persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. तो बजट 2023 और 24 पेश कर दिया गया और सवाल अब ये उठ रहा है क्योंकि इस पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी अपनी राय भी जाहिर कर रहे हैं। जैसे कि हमने सियासी प्रतिक्रियाएं की बात की, तो सबसे पहले आइए सुन लेते हैं निर्मला सीतारमन और प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद विपक्षी पार्टियों ने बजट को लेकर क्या कहा, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत और मेहमानों का तारुफ। Those with income up to 5 lakh do not pay any tax, do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan and economically weaker sections and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh and the Northeast. This budget builds on those efforts. Amrit Kaal ka ye pehla budget विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। देखिए, ये तो बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो दो चार राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है, तो ये तो इलेक्शन स्पीच है। हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो गई है कि जो लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे वो फिर नीचे चले गए हैं। आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देते हो, वो भी कम कर दिया, वो आप 4 किलो दे रहे हो। यानी आपने रोजगार का वादा किया था 2 करोड़, वो तो नहीं दे रहे हो पर लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हो। तो ये बजट कुछ बिजनेसमैन के लिए बजट बनाया जाता है,
ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए नहीं है। कुल मिलाकर के तो निराशाजनक ही है। सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने महंगाई की है, दूसरी बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है, लेकिन इस बजट में ऐसा कोई बड़ा प्रावधान नहीं नजर आता जिससे महंगाई पे काबू होगा। बजट बजट है और उसमें खास सलामत इलामत मिडिल क्लास को भी मदद है। अरे भैया को तो बाद में कोई ना कुछ दिया गया है, उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। तो बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रियाएं आप देख रहे थे, और इससे पहले निर्मला सीतारमण का बयान आपने देखा, बयान क्या पार्लियामेंट में जब वो बजट पेश कर रही थी तो क्या बड़ी बातें रही, उसको संक्षिप्त हिस्से को हमने आपको दिखाया। तो आज इसी मौजू पर हम चर्चा करने वाले हैं कि बजट क्या तमाम उम्मीदों पर सभी वर्गो के पूरा उतरा है, खरा उतरा है या नहीं। और आज इसीलिए प्राइम डिबेट इंडिया जो कि आधा घंटे का हुआ करता था, लेकिन बजट को चूंकि समझना है और आम लोगों को भी इसे जानना है, इसलिए हमने इस चर्चा के वक्त को बढ़ा दिया एक घंटे तक। आज इस पर बातचीत होगी, विशेषज्ञों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार का 2023 और 24 का ये बजट कैसा रहा। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, और खास बात जम्मू कश्मीर लद्दाख और हिमाचल के लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहा। अगर जम्मू कश्मीर लद्दाख की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए जो पहले 2022 में बजट आवंटन किया गया था वही है, यानी खास तवज्जो देने की बात कही गई है, लेकिन नए अमाउंट नहीं जोड़े गए। तो आज इसी मौजू पर करेंगे चर्चा खास मेहमानों का। चलिए सबसे पहले तारुफ करा दे डिबेट की शुरुआत करने से पहले, खास मेहमान हमारे साथ ही स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, फारूक अमीन सेक्रेटरी जनरल केसीसीआई आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा गौरव गुप्ता साहब सेक्रेटरी जनरल जेसीसीआई कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स और जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, आपका वेलकम करते हैं। इसके अलावा मानिक बत्रा साहब जो कि एसोचैम जम्मू कश्मीर काउंसिल के चेयरमैन हैं, आपका वेलकम वक्त देने के लिए प्राइम डिबेट इंडिया में। और आज हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये बजट कैसा रहा 2023 और 24। डॉक्टर निर्मल साहब जो कि फॉर्मर डिप्यूटी सीएम जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, वो बजट पर सरकार का पक्ष रखेंगे। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे बीच हिमाचल प्रदेश से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, नरेश चौहान साहब जो कि प्रिंसिपल मीडिया एडवाइजर हैं हिमाचल के सीएम के, और आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के। तो आप तमाम का स्वागत। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि मानिक बत्रा साहब आपसे मैं शुरुआत करूं, क्योंकि विशेषज्ञों की राय बहुत जरूरी हो जाती है और आप लोग जो होते हैं वो बिजनेसमैन और सरकार के बीच एक ब्रिज का काम करते हैं, तो इस बजट पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मैम देखें, अगर जो आज का बजट है अगर पूरा ओवरऑल देखा जाए तो बहुत वेल थॉट आउट बजट है, बहुत सोच समझ के बनाया गया है। क्योंकि अगर आप देखें इस टाइम पे वर्ल्ड वाइड थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमिक, बट इंडिया एक अच्छी पोजीशन में था, उसको फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक 7 लाख का हमें रिबेट अनाउंस कराया आज, इससे हमें यह फायदा होगा कि कॉमन मैन के पास जो स्पेंडिंग पावर है, जो उसकी सेविंग है, वो बढ़ जाएगी। जब वो बढ़ेगी तो मार्केट सेंटिमेंट चेंज होगा, परचेजिंग बढ़ेगी, तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, तो एक इकोनॉमी हमारी स्टेबल होगी उससे। और अगर आप देखें कि इसमें काफी स्किल पे और मेक इन इंडिया पे काफी फोकस किया गया है, ये एक ग्लोबल आउटलुक के साथ बजट बनाया गया है। क्योंकि अगर आप इसमें देखें, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है कि मेक इन इंडिया का, और जैसे कुछ कंपोनेंट्स हैं फॉर टीवी मैन्युफैक्चरिंग, फॉर लिथियम आयन बैटरीज, फॉर मोबाइल फोन्स, उनपे कस्टम रिबेट दिया गया है जो कम किया गया है। उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, और एंड में एंड कंज्यूमर को भी फायदा होगा, बिकॉज जब मेक इन इंडिया होगा तो उनको सेम प्रोडक्ट सस्ते दामों में मिलेगा। एग्रीकल्चर एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एग्रीकल्चर वन ऑफ द टॉप सेक्टर्स है जो हमारे जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। स्टार्टअप्स को प्रमोट किया गया है कि वो एग्रीकल्चर में नए इनोवेटिव स्टार्टअप्स लाएं जिससे एग्रीकल्चर बेटर हो सके, वेस्टेजेस कम हो, नई टेक्निक्स हो जिससे हम फूड सिक्योरिटी भी बेटर कर सके अपनी। स्किलिंग पे फोकस किया गया है, बिकॉज अगर यूथ स्किल्ड होगा नई टेक्नोलॉजीज पे तो उनको इंडिया में और इंडिया से बाहर दोनों जगह जॉब्स मिलेंगे। तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 है, उसमें स्किलिंग पे फोकस किया गया है, जैसे IoT,
रोबोटिक्स, ड्रोन्स, ये सब फ्यूचर है, तो बहुत फ्यूचरिस्टिक एक बजट, मतलब इसमें बहुत प्रावधान बहुत फ्यूचरिस्टिक है। और फाइनल अगर एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है जिसका 27% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है इंडिया की जीडीपी को, एंड बहुत बड़ा सेक्टर है जो इम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। जो क्रेडिट गारंटी स्कीम एक गवर्नमेंट की स्कीम थी जो कोविड के दौरान आई थी, उसके साथ ईसीएलजीएस आया था और पीएलआई भी आए थे, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम एक स्कीम है जिसमें एमएसएमई को कोलैटरल फ्री लोन मिलता है अगर वो एलिजिबल हो जी। तो जब उनको कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा वो एक्सपैंड कर सकते हैं, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली उससे एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा बजट है मैम जी। तो ओवरऑल बहुत अच्छा बजट है ये कहना है मानिक बत्रा साहब का। इसके अलावा अब हम रुख करेंगे फारूक अमीन साहब जो कि सेक्रेटरी हैं कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। आपकी क्या प्रतिक्रिया है, 10 में से कितने नंबर इस बजट को आप दे रहे हैं? देखिए, जहां तक इस बजट का सवाल है, ये वेल थॉट बजट है, बेसिकली कॉमन मैन के लिए काफी हुई है। तो ये हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो ये बजट भी है, विजनरी बजट है। देखिए, कॉमन पीपल के लिए इसमें काफी कुछ है, काफी कुछ है। एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा ज्यादा होती है लोगों की, बट जो इसमें विजन है, जो इस आज के स्लो डाउन की पोजीशन में, जैसे ग्लोबल स्लो डाउन है और आने वाला साल जो सोच रहे हैं लोग कि आने वाला साल डिफिकल्ट होगा क्रॉस ग्लोब, ये जो है अपना रिसेशन का, तो उस हिसाब से ये वेल थॉट बजट है। मेक इन इंडिया पे ध्यान दिया गया है, जैसे यूथ स्टार्टअप्स पे ध्यान दिया गया है, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावे का ध्यान दिया है, जो कि हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है एम्प्लॉयमेंट का अक्रॉस कंट्री। उसके बाद में ये जो है फ्री राशन एक साल के लिए गरीबों के लिए, ये भी एक विजनरी थिंग है। इसके बाद में ये जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा, उसके स्टार्टअप्स के बाद में जो अपना एग्रीकल्चर में जो हमारी बूस्ट जरूरत है, जो इसमें एक टेक्नोलॉजी बूस्ट की जरूरत है, उसके लिए भी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स सबसे बड़ी बात, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी फंड्स रखे गए हैं। लॉजिस्टिक्स के लिए स्टेट्स को जो और यूनियन टेरिटरीज को जो 50 साल तक के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है, इससे हर किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में काफी फायदा मिलेगा लॉजिस्टिक जो डेवलप करने में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है हमारे इलाकों में, उसको बढ़ावा मिलने का, उसको बढ़ावा होगा। डेफिनेटली ये विजनरी बजट लग रहा है, जो जो कि फ्यूचरिस्टिक बजट लग रहा है जी। ये क्या लगता है कि ये बजट सभी के साथ, सभी के साथ, यूथ को भी, सभी के लिए बनाया गया है? लग रहा है कि सभी के लिए कुछ ना कुछ है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल, इसमें कॉमन मैन के लिए जैसे मैंने आपको कहा फ्री राशन की बात की गई है जो गरीबों के तो लिए, तो खास बात ये भी है कि इनकम टैक्स स्लैब की अगर बात करें, मिडिल क्लास तबके को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, और सभी का ये मानना है कि मिडिल क्लास तबके के लिए बहुत अच्छा ये बजट है, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ा दिया गया है। अब 7 लाख जिनकी सैलरी होगी उन्हें जीरो टैक्स यानी कोई टैक्स नहीं देना है उसके ऊपर। अभी ग्राफिक्स के जरिए पॉइंट्स भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या चीजें सस्ती हुई और क्या चीजें महंगी हुई हैं। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर लग रहा था कि ये बजट में शामिल होगा लेकिन वो बजट में शामिल नहीं हुआ? गौरव साहब, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले नरेश चौहान साहब आकर रुख करना चाहूंगी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया देंगे। हिमाचल प्रदेश के लिए इस बजट में क्या कुछ खास रहा आपसे हम जानेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें नरेश जी, तो कैसा लगा आपको ये बजट? क्या ये बजट सभी के लिए दिख रहा है कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं नेशनल लेवल पर आ चुकी हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी कि ये बजट कांग्रेस को कैसा लग रहा है। कि पांचवां बजट आज ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब का था। आप जिक्र करें कि 4 साल जो पहले बजट दिए उनसे क्या निकला, देश को कौन सी दिशा मिली? उन 4 बजट के बारे में कोई चर्चा नहीं करता जो पिछले बजट हुआ था, जो 22-23 का बजट था, 21-22 का बजट था, 20-21 का बजट था, उससे क्या निकला देश को, क्या मिला? बेरोजगारी और महंगाई। हम एक दिन जो है बजट पे चर्चा करते हैं, सब एक्सपर्ट्स को बैठाते हैं, सब लोग बैठते हैं, पार्टी के लोग बैठते हैं, अल्टीमेटली ये आंकड़ों का एक जाल हो चुका है कि इतने लाख करोड़ होगा, ये इस हेड में जाएगा, ये इस डिपार्टमेंट में जाएगा, ये इस पे खर्च किया जाएगा, लेकिन उससे देश की स्थिति बदल रही है क्या? देश में रहने वाले लोगों को उससे फायदा हो रहा है? उनके जीवन स्तर में कोई फायदा हो रहा है उस बजट से? आंकड़े पढ़ लेते हैं कि इससे यह होगा, इतनी जीडीपी होगी, इतनी विकास दर होगी, बाद में बीच में आ जाता है कि यह गिर जाएगी, अब विकास दर कम हो जाएगी। अल्टीमेटली यहां पर सारी चीजें समझने की आवश्यकता है
क्या हमारे देश के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी महंगाई, क्या इस बात पे ये बजट कुछ कह रहा है? क्या इस बजट में इसके बारे में कोई जिक्र है कि जो लोगों की समस्या है उससे लोगों को कैसे समाधान मिलेगा? कोविड के बाद जो देश की परिस्थिति हुई है और देश में रहने वाले लोगों की जो परिस्थितियां बदली है उसके ऊपर ये बजट क्या बोल रहा है? लाखों लोगों ने अपने रोजगार गवाए, उससे पहले आप बार बार बोलते हैं कि आप ये सपनों को पूरा करने वाला है। ये सपनों की जो सरकार है, जो सपने ये देश के लोगों को दिखाती है, जो 2014 से सपने शुरू किए प्रधानमंत्री जी ने, वो आज कहीं पूरे नहीं हो रहे हैं। आप अच्छे दिन आएंगे, किसी के अच्छे दिन नहीं आए। 15 लाख लोगों के जेब में आएगा, खातों में आएगा, कहीं नहीं आया। 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, कहीं नहीं मिला। रोजगार उल्टे छिनेंगे। महंगाई से आज ये उम्मीद थी लोगों को, कि आज महिलाओं को ये उम्मीद थी कि गैस सिलेंडर थोड़ा सस्ता होगा, डीजल पेट्रोल में राहत मिलेगी, महंगाई से राहत मिलेगी, या जीएसटी बहुत सारी ऐसी चीजों पर इतना बड़ा हाई लेवल पे है उसको कम करने की आवश्यकता थी। सीधे तौर पे ये जो इंडस्ट्रीज की बातें, एमएसएमई की बातें या जीडीपी की बातें, देश का आम आदमी जो 70% गांव में रहता है वो इन चीजों को नहीं समझता है। उसको बजट की समझ नहीं है, उसको सीधी समझ है कि क्या मुझे रोजगार मिलेगा, क्या मुझे महंगाई से राहत मिलेगी, क्या मेरे बच्चों को मैं शिक्षा दिला पाऊंगा, क्या वो स्कूलों में जाके रोजगार प्राप्त करेंगे। जो सबसे बड़ी समस्या है कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हर व्यक्ति के पास काम होना चाहिए, उसके पास रोजगार होना चाहिए। जब वो कमाएगा तब वो आगे कंट्रीब्यूट करेगा, तब अर्थव्यवस्था चलेगी। उस पर कोई फोकस नहीं है। हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में मैं बात करूं, हमारी परिस्थितियां वैसी है। रेलवे के विस्तार से हम कितने बजट देख चुके हैं जी। आप टूरिज्म की दृष्टि से हमारे को बड़े सपने दिखाए गए प्रधानमंत्री जी ने, कोई विस्तार नहीं है। हवाई अड्डों की बात की, कोई जिक्र नहीं है। हमारा प्रदेश पहाड़ी प्रदेश है, हम इंडस्ट्रियल पैकेज नहीं मिलेगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। हमें जो सपने दिखाए गए, एप्पल स्टेट है कि इम्पोर्ट ड्यूटी 100% करेंगे, ये प्रॉमिस प्रधानमंत्री जी का था जी, लेकिन कोई उस पर जिक्र नहीं है। आज हमें कम्पीट करना पड़ रहा है, बाहर से जो सेब आ रहा है उसकी वजह से हमारी जो आर्थिकी है वो खराब हो रही है। किसान और बागवान आज बुरी दशा में है, उनके प्रति आपने क्या किया, क्या इस बजट में दर्शाता है? तो कुछ आंकड़े पढ़ के कुछ लोगों को बैठा के कि हाँ। बड़ा दिशा वाला बजट है, इनसे पूछिए एक्सपर्ट से कि पिछले 4 सालों में क्या बदला है देश में। ठीक है डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, भारतीय जनता पार्टी इसे हम सफर लोगों का हम सफर वाला बजट बता रही है, लेकिन जो पॉइंट्स कांग्रेस की तरफ से उठाए गए वो भी तो वाजिब सवाल हैं। महंगाई और बेरोजगारी की अगर बात करें, आम जनता की बात करें, मैं बार बार कहती हूँ रोटी कपड़ा और मकान, जो बड़े डेटास को जो नहीं समझते आम नागरिक जो गांव में रहते हैं, गांव के लोग जो हैं वो नहीं समझते हैं। मनरेगा की अगर हम बात करें तो मनरेगा आवंटन में इस बार भारी कमी की गई है। मनरेगा के तहत बहुत सारे लोग रूरल एरियाज में काम करते हैं, उस बजट में काफी कमी की गई है। तो ऐसे में जो एक गांव के नागरिक है, ग्रामीण लोग हैं, वो इस बजट को कैसे समझे, क्योंकि महंगाई तो वैसी की वैसी है, उसको लेकर कोई कुछ ऐलान नहीं किए गए। कांग्रेस भी आपसे यही सवाल पूछ रही है डॉक्टर निर्मल साहब। सना, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था और मैंने इनके नेताओं को भी सुना। खड़गे साहब बोल रहे थे, हमारे यहां से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोल रहे थे, हमारी महबूबा जी जो पूर्व मुख्यमंत्री वो भी बोली। इन्होंने कोई भी स्पेसिफिक जनरल जो एक रटी रटाई बात, जो जनरल जो है भाषण देना होता है उसी पर इन्होंने बात रखी है, और ऐसा ऐसा लगता है कि इन्होंने आंखें बूंदी हुई हैं। आपने शशि थरूर का जो फर्स्ट रिएक्शन देखा, शशि थरूर क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति है कांग्रेस में, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया है, लेकिन ये जनरल बातें कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता। अप्रिशिएट करने के साथ साथ सवाल भी खड़े किए डॉक्टर निर्मल साहब। हाँ नहीं सुनिए ना, आपने सभी को समय दिया, मुझे भी दिया। हाँ, मैं आपको भी दूंगी बिल्कुल। हाँ प्लीज मुझे बोलने दीजिए। ये अभी हिमाचल का बजट आएगा उसमें रखेंगे ना, ये हिमाचल में इनकी सरकार आई है, जीत के आए हैं, बड़ी अच्छी मेजोरिटी है, ये रखे ना वहां पर, और उसमें आगे प्रावधान रखे। ये तो होगी कांग्रेस की बात। मैं जो बेसिक इश्यूज हैं, मैं एक बात तो ये कहूंगा कि ये जो बजट जब आया है कोविड के वक्त आया है, इर्द गिर्द भी आप नजर डालें, कोविड के कारण जो पूरे स्लो डाउन हुआ है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो है वो कितनी जो है उसकी ग्रोथ जो है नीचे गई है, डिक्लाइन हुई है। आपका पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत देखें आप, और बांग्लादेश देखे, श्रीलंका देखे, उसकी वो उसके परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करनी होगी, क्योंकि जो इंटरनल और जो यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई है उसका जो असर है
पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर उसके ऊपर उस परिप्रेक्ष्य में हमने देखो जो है पृष्ठभूमि में हमें देखना होगा। उसके बावजूद मैं कहूंगा इट्स ना बैलेंस्ड बजट, ग्रोथ ओरिएंटेड भी, गरीब को उसको राहत देने वाला भी, महंगाई को कम करने वाला। और पिछले सालों की बात करें 6% से नीचे महंगाई आई है। और अमेरिका देख लीजिए आप, जो है रशिया देख लीजिए, जापान देख लीजिए आप, कनाडा देख लीजिए, वहां की जो आज इन्फ्लेशन रेट कितना है वहां पर, और भारत का कितना है, और हमारा ग्रोथ रेट जो है कोविड के वक्त कहां चला गया था, उससे हमने रिकवर किया है। लेकिन कांग्रेस को यह बात समझ नहीं आएगी, ये रटी रटाई बातें बैठे करेंगे। ये मैं कहूंगा कि ये जो बजट है फ्यूचरिस्टिक है, और आने वाले वक्त में जो भारत जो है आज शायद फिफ्थ इकोनॉमी हो गया है, उसको आगे कैसे किस प्रकार से, अब हम ग्रेट ब्रिटेन से आगे निकल गए हैं, यह हमारे विरोधी पक्ष के लोगों को नहीं दिखता है। और जिस प्रकार से नौजवान हमारे जो जो इस फील्ड में है, इकोनॉमिक फील्ड के लोग हैं, एक्सपर्ट है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं इतिहास का विद्यार्थी जरूर हूं जी, तो उनको उनका आपने डिटेल्स देखी, मतलब फारूक अमीन साहब को सुना, हमने मानिक बत्रा साहब को सुना, तो उनका जो है ये किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, ये जो है देश के लिए बजट का क्या मतलब है, क्या मानी है, और जो चर्चाएं हो रही है उसकी दृष्टि से देखिए। ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया आ गई थी, बजट होगा या लोगों को रेवड़ियां बांटी जाएंगी जो कांग्रेस बांटती आई है, और जिस प्रकार से आज भारत की जो अर्थव्यवस्था उसकी जो बुरे हाल हुए हैं उसको संभालते हुए और कंसिस्टेंसी दिख रही है। जनता पार्टी को ये लगता है कि बजट फ्यूचरिस्टिक है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि पिछले चार साल का भी यहाँ पर मुकाबला कंपैरिजन किया जाना चाहिए। इस बीच गौरव साहब का रुख हमने नहीं किया था, गौरव गुप्ता साहब जो कि जम्मू कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि इस बजट को वो कैसे देखते हैं, अपने नजरिए से क्या कुछ कहना चाहते हैं। गौरव जी देखिए मैम, जहां पर आज हम बजट की बात करें, और कल भी हम आपके चैनल पे लाइव थे और कल भी यही एक बात चल रही थी, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या उम्मीदें हैं। मुझे लगता है कि अगर आज हम एक बड़े स्तर पर ब्रॉडर स्पेक्ट में बात करें, आज जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, हम लोग इन्फ्लेशन से निकल रहे हैं, एक फेयर है आज एक रिसेशन का, इंस्पाइट ऑफ ऑल दीज ऑड्स, आज जो मुझे लगता है आज मुबारकबाद के पात्र हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और खासकर मैं बात करूंगा वित्त मंत्री जी, जिस तरीके आज उन्होंने एक मैसिव एक जो अनाउंसमेंट की है, क्योंकि कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जो आज उम्मीद और आशाएं हमने लगाई थी कि सबसे बड़ा जो एक फेज से हम निकल रहे हैं, आज देखिए 3 साल महामारी के बाद आज ये जो 2023 का ये जो बजट था इससे काफी एक्सपेक्टेशन थी, खासकर हमारे मध्य वर्ग के, अगर मैं बात करूं मिडिल क्लास के लिए। अब देखिए सीधा ही है, सीधा स्टैट्स आपके सीधा ही है, जिस तरीके 7 लाख का इनकम टैक्स स्लैब की बात हुई, छूट दी गई, तो ये क्लियर कट एक सिग्नल देता है कि सरकार इतनी ही आज गंभीर है पूरी इस पूरी परिस्थिति को लेकर। और दूसरी अगर मैं बात करूं, हर एक वर्ग को छेड़ा गया, अगर आज मैं बात करता हूं कि मिडिल क्लास की जब बात ही, जब आज मैं एक रिच सेगमेंट की बात करता हूं 42% से उनका भी 39% दिया गया। और सबसे खूबसूरत बात जो अगर आज इस पूरे बजट को अगर आप देखिए, अगर आप कैपेक्स की बात करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर 10.5 लाख करोड़ की एक बात की गई उसमें, कि उसमें इतने बड़े स्तर पर मैसिव अनाउंसमेंट ही, मुझे लगता है कि चीजें काफी क्लियर हैं और इसमें आज दो राय नहीं है कि एक एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच को लेकर यह बजट बनाया गया। और खासकर ग्लोबली जितनी आज हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, आज हमारे यूथ को लेकर स्किल डेवलप पे थ्रस्ट दिया गया, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी महिलाओं के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट, हमारे कई लोगों को ये लगता है कि बजट जो है उनका बहुत अच्छा रहा, क्योंकि हर वर्ग को छूने की बात कही गई है। वहीं विपक्षी पार्टी हैं जो कई सवाल लेकर खड़े हुए हैं, उनके मन में ये है कि पिछले आज से लेकर अब तक जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कहां जा रही, साथ ही साथ बेरोजगारी दर की अगर बात करें, महंगाई दर की बात करें, तो उसे भी देखने की जरूरत है। ये सवाल उठ रहा है, इस सवालों पर भी करेंगे चर्चा खास मेहमानों के साथ। आप जुड़े रहे हमारे साथ, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। दिस इज द फर्स्ट बजट इन अमृतकाल। इन दीज 9 years the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. Budget jo Modi sarkar ne pesh ki hai ye to do char rajyon ke election chunav ko dekhkar hi
उन्होंने पेश किया। 10 persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. Amritkal. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है ये तो दो चार राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। 10 persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. तो बजट पेश कर दिया गया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं। आज इसी मुद्दे पर कर रहे हैं चर्चा कि क्या ये बजट उम्मीदों पर खरा उतरा है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। चलिए जल्दी जल्दी मेहमानों का रुख कर लेते हैं। नरेश चौहान जी आपका रुख करना चाहूं, उससे पहले मैं निर्मल साहब आप से सवाल ये करना चाहती हूं कि जम्मू कश्मीर से आप आते हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को लगातार हम ये बात कर रहे थे कि वहां के लोगों को भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के बजट आवंटन की बात करें 2022 और 2023 का आंकड़ा मेरे पास है, 35,581 करोड़ तब मिले थे, लेकिन इस बार के आवंटन में कोई इजाफा नहीं किया गया है। तो लोगों को ये लगता है कि जम्मू कश्मीर पर क्या फिर फोकस करने की बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी कर रही हैं। देखें सना, अगर जम्मू कश्मीर में आप आए, कांग्रेस के मित्र आए थे, उन्होंने सारा जम्मू कश्मीर घूमा है, उन्होंने देखा कि कैसे यहां पर जो है डेवलपमेंट हो रही है। देखिए बजट लाना पैसे की कोई कमी नहीं है, और जिस प्रकार से फिर से आश्वासन दिया गया स्पेशल रेफरेंस जम्मू कश्मीर लद्दाख का आया है और शायद हिमाचल का भी आया है, उसका मतलब यह है कि सरकार की ओर से पूरी मदद होगी, लेकिन पैसा ग्राउंड पर लगे, ट्रांसपेरेंसी से लगे। और जिस प्रकार का यहां भ्रष्टाचार था 72 सालों में, यही जो सरकारें थी विरोधी पक्ष की, और इतना जहां पर जो था पैसा लगता नहीं, जिसको राजीव गांधी कहते थे 10% ही जो है नीचे तक पहुंचता है, और जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है 10% भी नहीं पहुंचता था। तो उसके ऊपर पूरा टोटैलिटी फोकस हो रहा है। आप, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर में जहां जो है रिक्वायरमेंट है पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। नहीं, लोगों को ये लग रहा है कि जब सर लोगों को ये लग रहा है कि जब बात सभी जगह की हो रही है तो जम्मू कश्मीर की भी साथ ही हो जाती, पैसे बढ़ाए नहीं गए तो फिर उनके लिए क्या होगा। देखिए अभी तक मैं आपका जल जीवन का मैं बताता हूं, जल जीवन जो है एक स्कीम है जम्मू कश्मीर में, हाँ अभी तक वो पैसा वो लग नहीं रहा है, यहां कोई इन्वेस्ट करने के लिए पहले तैयार नहीं था, यहां कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो इसलिए और भी बहुत सी चैलेंजेस हैं। पैसा कोई चैलेंज नहीं है, पैसा लेके रख लेना तिजोरी में और उसको नहीं खर्चना, वो बात तो पुराने समय में हो सकती थी, लेकिन अभी जो पैसा आएगा वो लगे उसके ऊपर सरकार का फोकस है। ठीक, अगर कहीं कमी होगी उसके ऊपर जरूर जो है सरकार की मदद। तो बात जम्मू कश्मीर तक नहीं, हिमाचल तक भी ये आधारित होती है नरेश चौहान जी, कि अगर जरूरत हिमाचल को पड़ेगी तो उस पर भी सरकार का खास फोकस रहेगा, ये डॉक्टर निर्मल साहब कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारी सरकार बने अभी 50 दिन हुए हिमाचल प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, और पिछली जो सरकार थी वो भाजपा की सरकार थी जिसके मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी थे, और जो आज जो स्थिति है आर्थिक हालात जो है हिमाचल प्रदेश के वो किसी से छुपे नहीं है। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा छोड़ के गए इस छोटे से राज्य में, और 11,000 करोड़ रुपए की जो लाइबिलिटीज है सरकारी कर्मचारियों को जो 60th पे कमीशन की थी या पेंशनर्स की थी वो खड़ी है, और खजाना खाली से भी नीचे है। तो ये पिछली सरकार का 5 साल मोदी जी की सरकार थी, और हर बार डबल इंजन की बात होती थी, 5 साल तक हम डबल इंजन सुनते रहे हिमाचल प्रदेश में कि डबल इंजन है और विकास होगा। किस तरह का विकास हुआ? खजाना खाली, 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा एक छोटे राज्य पे, विकास की बात करते हैं मदद करेंगे, आज बजट में कुछ नहीं। मदद करनी थी कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की मदद करते हैं, आपकी सरकारें खाने खजाना छोड़ के गए। वास्तविकता बजट का मतलब है लोगों के जीवन में सुधार, लोगों की उम्मीदों में बजट खरा उतरना चाहिए। अगर लोगों की प्राथमिकता है बेरोजगारी और महंगाई, उस पर चर्चा नहीं, आंकड़े बता के बजट को अच्छा बताना यह अच्छी बात है, लेकिन मैं समझता हूं वास्तविकता इस बजट की कोई नहीं है।
आने वाला चुनाव है, जैसे 9 बजट थे वैसे 10वां बजट है, इससे कुछ नहीं निकल रहा है। जो आपने देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को जो भी दिखाया 14 से लेकर 19 में भी, वो पूरा क्यों नहीं होता है? अगर बजट इतना अच्छा होता है तो उसके रिजल्ट्स क्यों नहीं आते? देश में इसकी दिशा क्यों नहीं दिखती है? बार बार हम इसकी अगर बात करें नरेश चौहान जी, वो भी लेंस लगा के बजट को देख रहे होते हैं। सियासी प्रतिक्रियाएं एक तरफ हैं, लेकिन अगर नफा नुकसान फायदे की अगर बात करें तो विशेषज्ञों की खास नजर पैनी नजर होती है। ये पैनल भी हमारे दरमियान मौजूद है, उनका ये कहना है कि ये बजट तो सभी के साथ न्याय करता हुआ दिखाई दे रहा है, ओवरऑल अगर देखें तो ये बजट ठीक है। नहीं देखिए, बात आपने जिक्र किया कि मनरेगा में जो है बजट घटा है, अब बताएं कि लोगों को गांव में कहां से काम मिलता है, कहां से रोजी रोटी निकलती है लोगों की? यहां पर 70% लोग जो गांव में कृषि में काम करते हैं और या कृषि लेबरर्स हैं, उनके बारे में सोचने की जरूरत है। क्या उनका जीवन स्तर नीचे जा रहा है या ऊपर बढ़ रहा है? कुछ लोग यहां पर कुछ परसेंटेज लोग जो है अपनी धन दौलत बढ़ा रहे हैं, जैसे बात जिक्र करते हैं कि जिनके दोस्त हैं सारा पैसा लोगों से सेविंग करा के, आज भी जिक्र किया कि 7 लाख रुपए तक फ्री है, लेकिन आप सेविंग करिए, सेविंग बैंकों में डालिए और वो मेरे दोस्त के काम आएगी अदानी के काम। सारा पैसा बैंकों का अदानी पे लगाया जा रहा है और जो 70 साल में देश बना है उसको खरीदने के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है कि बैंक हमारे हैं, आप खरीदिए आधे रेट पे देश को। ये कौन सी निर्मल साहब आपका जवाब? एक आदमी के ऊपर डबल इंजन करके हिमाचल प्रदेश की नुमाइंदगी कर रहे नरेश चौहान साहब, उनका ये कहना है कि डबल इंजन सरकार करके खजाना खाली करके चली गई भाजपा सरकार जब थी, अब क्या हालत सुधारने की बात कर रहे हैं? मैं कांग्रेस के मित्र को कहूंगा सना कि ये जो है अभी लगता है अभी भी इलेक्शन मोड में है। अगर आपने भी तो रेवड़ियां बांटी हैं, आपने भी तो सारी चीजें जो थी केंद्र की तरफ से जो कोशिश हो रही है इसको इकोनॉमी को ठीक करने की उसके विपरीत बोल रहे हो। आपने भी तो बिजली के ऊपर बाकी जो है जिस प्रकार से ओल्ड अब जो है जो पेंशन स्कीम के नाम पर जिस प्रकार से एक जो है इकोनॉमिकल जो है एक मेजर्स लिए गए थे, आज जो है आज की आपकी जिम्मेदारी है या आगे की पृष्ठभूमि बना रहे हो कि किस प्रकार से हिमाचल का जो बजट आएगा जिसमें इनको टैक्सेस लगाने पड़ेंगे तो ये अभी ठीकरा फोड़ेंगे केंद्र के ऊपर जिस प्रकार से केजरीवाल बोल सकते हैं। नरेश जी आप भी बात रख सकते हैं अपनी, ये जो है ये जो है सिर्फ अभी अभी अपने काम में आई है। मैं डॉक्टर साहब बहुत आप प्लीज मैं आपसे डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, बड़े सीनियर नेता, आपका हम सम्मान भी करते हैं। आप बोलिए। मैं थोड़ा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि ये कौन सा मॉडल है देश को आगे बढ़ाने का? अगर आपने हमने 1947 के बाद इस देश को खड़ा किया, इस देश में कुछ नहीं बनता था, देश के लोगों ने मेहनत करके इस देश को बनाया, किसी चीज को बनाने में टाइम लगता है, मेरा घर बनाया मेरे फादर साहब ने, अगर मैं आज उसको बेचना चाहूं तो मुझे क्या दे रही है? 2 मिनट में बेच दूंगा, लेकिन उनको पता है वो घर कैसे बना है। इस देश को बनाने में लोगों ने बहुत मेहनत की है, 70 साल में हर चीज खड़ी की है, इसको बेचने में टाइम नहीं लगता है। अपने मित्रों को जो है आधे पाधे दामों में बेचा जा रहा है देश की सारी संपत्ति को, और पैसा देश के बैंकों का लुटाया जा रहा है और सेठ अंबानी और अदानी बन रहे हैं। ये कौन सा मॉडल है देश को आगे ले जाने का कि देश के लोगों की संपत्ति को जिसको बड़ी मेहनत से तैयार किया गया आपके मित्र आधे रेट पे खरीदेंगे, पैसा भी बैंकों का और देश की जनता का होगा, इससे क्या भला होने वाला है? देश का भला होगा जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर उसके बाद मानी पत्र साहब देश की संपत्ति कुछ मित्रों के लिए जिसको ये कौन सा मॉडल है, मैं जानना चाहता हूँ ये कौन सा मॉडल है देश को आगे ले जाने का। पूछ रही कांग्रेस आपसे कौन सा देश को आगे ले जाने का। मैं कहूंगा जिस लिबरलाइजेशन के ऊपर कांग्रेस कहती है कि हमने बहुत बड़ा तीर मारा था, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे, ये जो मिक्स इकोनॉमी से सोशलिस्टिक इकोनॉमी से ये जो लिबरल इकोनॉमी की तरफ ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम बढ़े हैं, तो कांग्रेस को क्लेम करती है ये हमारी अचीवमेंट है। और जब वो आगे बढ़ती है, जब ऐसे कोई सिख यूनिट्स है जिसको जो है सरकार चला नहीं सकती, उसको अगर सरकार को इस प्रकार के मेजर्स कर लेते हैं तो ये जो है कैपिटलिस्ट के साथ जोड़ते हैं, ये कौन सा तरीका है? ये कांग्रेस जो है चट भी हमारी पट भी हमारी, और ये जो सारी बातें हैं, अरे भाई नहीं सुन लीजिए, हमें भी समझाए, हम समझना चाहते हैं। नहीं नहीं आपने लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन किसने शुरू किया था? हमने तो आगे बढ़ाया उसको, क्या अल्टीमेटली उसका फायदा अगर हो रहा है, देश का फायदा हो रहा है ठीक, तो
अब उसको क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए आगे? ठीक है, तो सरकार को लग रहा है कि आगे बढ़ाने देश को आगे बढ़ाने वाला बजट, लेकिन विपक्षी नेता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उनका यह कहना है कि डेटा ला कर ये कहीं ना कहीं लोगों को वरगलाया जा रहा है। मानिक बत्रा साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, आपने पक्ष और विपक्ष दोनों को सुना, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में अगर सवाल किया जाए तो जो आम लोग हैं वो यही सोचते हैं कि अगर बजट के की रकम नहीं बढ़ाई गई है, जो आवंटन पहले किया गया था वही आज भी है, तो क्या उनके लिए अच्छा होगा? देखिये मैम सना जी, अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो सरकार का काफी फोकस है जम्मू कश्मीर की तरफ। बजट से पहले प्रीवियस बजट्स में भी न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की गई थी, जो बहुत ही एक रेवोल्यूशनरी स्कीम है जिससे इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर की तरफ। उसमें उस तरह के प्रावधान थे कि अगर आप कुछ जोन्स में लगाएंगे तो आपको 50% तक सब्सिडीज थी, कुछ जोन्स में 30% तक सब्सिडीज थी, जीएसटी पे आपको काफी रिबेट्स थे, और मतलब वो एक ऐसी स्कीम थी, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स थी अक्रॉस इंडिया। तो उसके चलते पिछले दो साल में बहुत इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आया और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट आई है जेएंडके की तरफ, और गवर्नमेंट का क्लियर फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की तरफ। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पीएम जो इनका गति शक्ति भी है, जो फोकस करेगा हाईवेज और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है मानिक बत्रा साहब, कि पिछले चार बजट के तुलना अगर हम करें तो इस बार जो बजट का आवंटन हुआ है वो सबसे कम है, और इसीलिए शायद मैं इस सवाल के जवाब निर्मल साहब से भी लेना चाहूंगी, शायद इसीलिए कांग्रेस ये कह रही है कि ये बजट चुनावी है। मानिक बत्रा साहब जी, जी मैम मतलब अगर आप ओवरऑल एक देखें तो मेरे हिसाब से एक बैलेंस बजट है, बिकॉज हर सेक्टर को टच किया गया, और ज्यादा फोकस जो इस बजट में किया गया है वो स्किलिंग यूथ और जो हमारा मेक इन इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ज्यादा किया गया। क्योंकि जैसे आप महंगाई की बात करते हैं, अगर जितना ज्यादा प्रोडक्ट मेक इन इंडिया होगा उतनी महंगाई भी नीचे आएगी। ठीक, मेक इन इंडिया प्रोडक्ट जो कि फ्लैगशिप एक तरह से मुहिम है सरकार की। फारूक अमीन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, बार बार सवाल उठ रहा है और महंगाई दर और बेरोजगारी दर की भी बात हो रही है, तो मेक इन इंडिया मुहिम जो कि विपक्षी नेताओं की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि ये बिल्कुल नाकाम साबित हुई, लेकिन मानिक बत्रा साहब अभी ये कह रहे थे कि जो घर में बनेगा उससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी भी दूर होगी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, और क्या आपको लगता है कि बेरोजगार नौजवानों और साथ ही साथ महंगाई दर के लिए इस बजट में भी कुछ खास जगह देनी चाहिए थी जो नहीं दी गई? देखिए बहुत सारी चीजें इसमें हैं, जो आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, ये एक वन टाइम एक दिन का या एक साल का काम नहीं है, इसमें हमें सदियों या दहाइयों में काम करना पड़ेगा और इसको कंटिन्यूअसली फॉलो अप करना पड़ेगा। मेक इन इंडिया का जैसे कोशिश है, चाहे पिछले सरकार में हुई थी या इस सरकार में हो रही है, मेक इन इंडिया जो हमारा फ्लैगशिप अभी प्रधानमंत्री का नारा है मेक इन इंडिया का, तो इसके लिए ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कोई एक ओवरनाइट चीज नहीं है कि एक साल में हम उसका अचीव करें, ये स्लोली स्लोली इसको इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, जैसे हर किसी सरकार के जो स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में इसको इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है जो बजट के आए हैं। जैसे आपने कहा 38,000 करोड़ में इसमें जम्मू कश्मीर में और बढ़ाया नहीं है, हम बड़ा ईगरली वेट कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर यूटी का बजट भी आना है कल या परसों आने वाला है, तो हम उसका ईगरली वेट कर रहे हैं कि हमारा जो बजट है जो हमारी यहाँ पे लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट्स है, जो लॉजिस्टिक के हवाले से हमारी कमियां हैं, स्पेशली जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है आए दिन बंद रहता है, आज भी बंद है, उसके लिए क्या रखा है फास्ट ट्रैक करने के लिए, हमारे जो सीए स्टोर्स, कोल्ड स्टोर्स और जो अपनी हमारी जो है स्टोरेज का लॉजिस्टिक के हवाले से क्या किया है, हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडीक्राफ्ट्स के लिए काफी बोला गया है इस बजट में, बट हम इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि अब ये हैंडीक्राफ्ट्स नई डेस्टिनेशंस पे सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जम्मू कश्मीर में थोड़ा स्लो होता है, तो इस इम्प्लीमेंटेशन स्लो को कैसे तेज गति दी जाएगी इस पर करेंगे चर्चा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बजट को एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। This is the first budget in Amrit Kaal. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. Budget जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो
दो चार राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया। 10 persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all.